चिल्ड्रन, आज हम स्टैंडर्ड थ्री क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 12 चैप्टर नेम डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स आप सबको टीच कर रहे हैं, जिसके वर्ड मीनिंग्स हैं डे बाय डे प्रत्येक दिन, फ्लोट बहाना तैरना, पेपर में बोट्स कागज की नावें, स्ट्रीम झरना, डाउन भोर सुबह से पहले का समय, स्ट्रीम अपरचित सुली फ्लावर्स हर श्रृंगार फूले, डाउन नीचे दोनों डाउन के स्पेलिंग और मीनिंग में अंतर है, बोलने की आवाज एक ढंग की है, इसे आप ठीक ढंग से अपनी कॉपी पर लिखें, पढ़ें, याद करें और तत्पश्चात अपने लेसन बुक की ओर आ जाएं। यह आपका लेसन है डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स, प्रत्येक दिन मैं अपनी कागज की नावों को बहाता हूँ। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माय नेम ऑफ देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। आई होप दैट समवन इन वन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड them and know who I am. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream, in big black letters I write my name of on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strength land I will find them and know who I am. I learned my little words with silly flowers from our garden and hope that the bronze of the dawn will be carried safely to land in the night. इस तरह आप इसे रीडिंग दे देकर इस पोएम को याद कर लें। अब आप इसके हम मीनिंग बोलते हैं, देखें समझें। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट, प्रत्येक दिन मैं अपनी कागज की नावों को पानी में बहाता हूँ। किसके पानी में? झरना के पानी में बहाता हूँ। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, बहते हुए झरने में एक एक करके कागज की नावों को नीचे डालता हूँ। इन भी ब्लैक लेटर्स आई राइट माय नेम ऑफ देम, और मैं उस नाव में अपना नाम काले स्याही से लिखता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और अपना नाम के साथ उस गांव का नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, अर्थात अपने गांव का नाम भी लिखता हूँ। I hope that someone in some strange और अपने मैं आशा करता हूँ कि कुछ अपरिचितों में उसे कुछ मैं आशा करता हूँ कि कुछ अपरिचितों में उसे उस भूमि में कोई उसे खोजेगा, है ना? I hope that some strength land will find them and know who I am. मैं आशा करता हूँ कि कुछ अपरिचितों में उस भूमि में कोई उसे खोजेगा
और मुझे भी जानेगा। I load my little boat with silly flowers from our garden। मैं अपनी नाव में अपने बाग से हर श्रृंगार फूले ला दूंगा, है ना। एंड होप दैट द ग्रूम्स ऑफ द टाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और यह भी आशा करता हूं कि गलियों की एक गलियां रात में नाव से सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार आपका यह पोएम समाप्त हुआ। इसके सब और भाव पूरे हुए। आप इस पोएम को ठीक ढंग से पढ़ें, मनन चिंतन करें। थैंक यू।